एक भूल जिसने आदिवासी संथाल समाज की एक लड़की से उसकी जिंदगी छीनी। एक परंपरा जिसने एक लड़की की जिंदगी को डस लिया। एक तोहमत लेकर ताउम्र जीने को मजबूर कर दिया। ये भूल थी एक भूल की जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुधनी को दिया था, जिस समाज में भूल देने का मतलब होता है सात जन्मों का साथी बन जाना। उस भूल ने बुधनी की जिंदगी में जैसे भूचाल ला दिया। आज भारत एक खोज में बात उसी परंपरा और बदकिस्मती की, जिसकी तस्वीर 74 साल की एक महिला की आंखों में आज भी कैद है। ये है पंचेत डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में ये वो चौथा डैम बनके तैयार हुआ था, जिसे फर्स्ट फेज में मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाया गया था। खास बात ये थी कि इसका उद्घाटन करने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे, और उससे खास बात ये कि उस वक्त इसके उद्घाटन के लिए जिस महिला ने बटन दबाया था, उसके समाज ने इस अपराध के लिए उसे समाज से निकाल दिया था। हम बात कर रहे हैं उन्हीं की जिन्हें बुधिया मेझान कहते हैं, बुधनी मेझान जिनका नाम है, और उनको समाज ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बटन दबवा दिया था, उन्होंने उन्हें माला पहना दिया था, और स्पर्श और माला के कारण उनके समाज ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। 6 दिसंबर 1959, ये वही तारीख है जब उस महिला की जिंदगी में बदकिस्मती ने ऐसी दस्तक दी कि अपने लोगों के बीच ही वो नजरें नीची करके चलने पर मजबूर हो गई, तो अपने लोगों से ही वो मुंह चुराने को भी मजबूर हो गई। ये वो तारीख थी। नेहरू ने उनसे बटन दबवा दिया था, उन्होंने उन्हें माला पहना दिया था, और स्पर्श और माला के कारण उनके समाज ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। 6 दिसंबर 1959, ये वही तारीख है जब उस महिला की जिंदगी में बदकिस्मती ने ऐसी दस्तक दी कि अपने लोगों के बीच ही वो नजरें नीची करके चलने पर मजबूर हो गई, तो अपने लोगों से ही वो मुंह चुराने को भी मजबूर हो गई। ये वो तारीख थी जब चंद मिनटों में गांव वालों ने उस महिला को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी बना दिया, और नेहरू की पत्नी होने के आरोप में बाद में उसे समाज और गांव दोनों से बाहर निकल जाने का फरमान भी सुना दिया। एकदम है, ये है, ये है, पत्नी है। वो सब जानते हैं, वो नेहरू पार्क में उसको मूर्ति भी किया गया है। प्रधानमंत्री का जो पहले जवाहरलाल नेहरू था वो उसको ही पत्नी रहते। तारीख 6 दिसंबर 1959, जगह बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसा पंचेत गांव। तब बिहार से अलग टूटकर झारखंड राज्य भी नहीं बना था। यही वो तारीख थी जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दामोदर नदी पर बने बांध का उद्घाटन करने पंचेत गांव आए। गरीब इलाके के लोगों को विकास की एक सौगात देने आए। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे तब महज 15 साल की रही बुधनी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ये तस्वीर उसी बांध के उद्घाटन की है। तस्वीर भले पुरानी पड़ चुकी हो, लेकिन इससे जुड़ा संदर्भ अब सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। ये वो तस्वीर है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित